नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। कोरोना ने फिर मायूस किए फूल उत्पादक। प्रदेश से परिवहन सेवा बंद होने से दिल्ली की मंडियों में नहीं पहुंच रहे फूल, खेतों में फेंकने के लिए मजबूर हुए किसान और बागवान। अब बिना वजह वाहन दौड़ाने वालों पर पुलिस की सख्ती। नगरोटा बगवा में अलर्ट, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसेगा शिकंजा। दिल्ली के युवकों से पकड़ी 1 किलो चरस। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पकड़ा नशा। कर्फ्यू ढील में नियम नहीं मान रहे लोग, भूल रहे सामाजिक दूरी। बाजारों में मेले जैसा माहौल। बाजारों में उड़ी सामाजिक दूरी की धज्जियां। मौत के आंकड़ों को देखकर भी अनजान बन रहे लोग। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी कांगड़ा शहर में खूब चहल पहल। एसओपी का पालन कर खरीदारी कर रहे लोग। नागरिक चिकित्सालय करसोग में कोरोना संक्रमित महिला का सफल प्रसव। डॉक्टरों की टीम ने पेश की मिसाल। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों कुशल। प्रदेश भर में वैक्सीन लगाने को युवाओं में दिखा उत्साह। आज 18 से 44 वर्ष तक के नागरिकों को लगा कोरोना का टीका। वैक्सीन लगाने आए कई युवाओं में उत्साह तो कई खफा। बुकिंग न होने से दिखे नाराज, कोविन पोर्टल पर फुल बुकिंग से परेशान। रिकांगपियो में कोविड मरीजों के लिए स्थापित होगी डेडिकेटेड लैबोरेटरी। विधायक जगत सिंह नेगी ने अस्पताल प्रशासन को मंजूर किए 15 लाख रुपए। डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक में 5 और कोरोना संक्रमितों की मौत। 1 बिलासपुर, 1 मंडी और 3 हमीरपुर जिला के लोगों ने तोड़ा दम। अंब के गांव सूही ग्राम पंचायत से चलेहड़ में संक्रमित की मौत पर ग्रामीणों ने किया किनारा। चिंतपूर्णी विकास समिति ने करवाया संस्कार। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक किसानों को मिलेगा बीज। कृषि प्रसार केंद्र स्वारघाट ने शुरू किया बीजों का वितरण। जिला कुल्लू के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ एडमिशन का दौर। स्कूल प्रबंधन ने शुरू की तैयारियां। बेहतर काम पर आशा वर्कर्स की थपथपाई पीठ। कांगड़ा के जवाली में फ्रंटलाइन वर्कर्स को सौंपी फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर की सौगात। केंद्र ने प्रदेश को भेजी मदद। मेडिकल उपकरण व सहायता सामग्री की सौंपी सौगात। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।